ਰਾਮੇਸ ਮਿੱਠਾ ਤਾਰਾ ਫਿਰ ਮਨੀ ਸਿੱਖਾ ਬਦਿੰਗ ਸਮਾਧਿਆਨੀ ਰਾਮੇਸ ਮਿੱਠਾ ਤਾਰਾ ਫਿਰ ਮਨੀ ਸਿੱਖਾ ਬਦਿੰਗ ਸਮਾਧਿਆਨੀ ਗਰਭ ਸੇ ਕਹੋ ਹਮ ਸ਼ੂਦਰ ਹੈ ਜ਼ੋਰ ਸੇ ਬੋਲੋ ਹਮ ਸ਼ੂਦਰ ਹੈ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਕੋ ਬਤਾਓ फेसबुक पे व्हाट्सएप पे दीवारों पे घर पे हर जगह लिख दो हम शूद्र हैं। कोई ये कहे कि शूद्र सबको लोग छिपा छिपा कर दबा दबा कर दबी जवान में घबरा कर बताते हैं तो वो दिन अब चले गए हैं। वो दिन इसलिए चले गए हैं क्योंकि जो शूद्र का मतलब है वो बहुत ही चमकदार और बहुत ही ज़्यादा ग्लोरीफाई और बहुत ही ज़्यादा आभा वाला और बहुत ही ज़्यादा इज्जत वाला है। दरअसल मेरे एक मित्र हैं शूद्र शिव शंकर सिंह यादव, MTNL से क्लास 1 अफसर से रिटायर हुए हैं, 70 साल के हैं। साहब काशीराम जी के साथ में उन्होंने काम किया और मुंबई से वो रिटायर हुए। उन्होंने एक मिशन चलाया हुआ है गर्भ से कहो हम शूद्र हैं, और उनके इस मिशन के तहत में जो एक राजनीतिक पार्टी के जो OBC के अध्यक्ष हैं उन्होंने अपने नाम के आगे शूद्र लगाने की घोषणा की। दरअसल जो शूद्र शिव शंकर सिंह यादव जी हैं उनसे मेरी 3 बार भेंट हो चुकी है। एक बार सुप्रीम कोर्ट में एक मीटिंग हॉल है वहाँ पर एक मीटिंग थी, मैं वहाँ गया हुआ था, और दूसरी बार एक मीटिंग और थी, और तीसरी बार एक मीटिंग ऑल इंडिया के जितने भी अच्छे लोग हैं उनकी बुलाई गई थी, उसमें वो आए थे। तो पहली मीटिंग में मैंने उनको कहा था कि आप जो ये गर्भ से कहो जो शूद्र है, दरअसल पाली में ये बहुत ही चमकदार बहुत इज्जत वाला और बहुत ही ऊंचा शब्द है। उन्होंने मेरी इस बात पे ध्यान नहीं दिया, अगर वो इस बात को ध्यान देते थे तो इस बात से आगे वो और बढ़ जाते तो उनका मिशन और ज्यादा आगे बढ़ जाता, लोग गर्व से कहते हाँ हम शूद्र हैं। दरअसल आप जो एक शब्द का इस्तेमाल करते हैं कि ये काम इसने सूझबूझ के साथ नहीं किया या ये सूझबूझ के साथ नहीं करती या कम से कम किसी से बूझ लेते या समझ लेते, ये तेरे को क्या सूझी जो तूने ऐसा काम कर दिया, इसको तो कुछ सूझता ही नहीं है, ये तो कुछ समझता ही नहीं है, ये वाक्य हम दिन भर में कई बार कई मरतबा सुनते रहते हैं। सूझ और बूझ, सूझ और बूझ बहुत पुराने शब्द हैं, भगवान बुद्ध से भी पहले के शब्द हैं और भारत के ओरिजिनल शब्द हैं, प्राकृतिक हैं। दरअसल सूझती का मतलब है शुद्ध करता है, शुद्ध करता है जो बाद में संस्कृत भाषा में, क्योंकि से और शे का मैंने जो अंतर है वो बहुत बार बताया है, यहां मैं खास तौर से बता दूं, अगर आप कहते हैं शुद्ध तो इसका मतलब प्योर है, ये पाली प्राकृतिक भाषा में है, इसको शुद्ध भी बोलते हैं, मूल शब्द शुद्ध है, शुद्ध से बना हुआ है शुद्ध, और संस्कृत भाषा में इसको बनाया गया है शुद्ध, और शुद्ध और शुद्ध के बीच में जो एक शब्द चलता है वो चलता है शुद्ध। अब इन तीनों में अंतर क्या है, इन तीनों में अंतर आप यहां देखिए स्क्रीन पर, जो पहला शब्द है ये है शुद्ध जिसमें आधा जय और छ है, फिर उसके बाद ये भ्रंश होते होते आया शुद्ध, शुद्ध का मतलब है से छोटे उ की मात्रा पूरा दय और आधा दय शुद्ध। इस शुद्ध से ही जो गौतम बुद्ध उनके पिता हैं उनका नाम पड़ा है शुद्धोधन, शुद्धोधन का मतलब है शुद्ध ओदन, ओदन माने चावल होता है और शुद्ध माने प्योर एकदम साफ चावल, यानी कि शुद्ध का मतलब साफ होता है प्योर होता है, और इस शुद्ध को बाद में बनाया गया शुद्ध आधा धय दे लगा के, यानी कि आधा दे खत्म करके धय लगाया गया तो शुद्ध हो गया, तो शुद्ध बना, और इस शुद्ध में से फिर से को हटा के शे लगाया गया तो ये शुद्ध हो गया, और शुद्ध में से जब शे हटा तो वो हो गया शुद्ध, और बाद में कुछ शब्दों में जब पाली के जितने शब्द थे जिनमें आधा दे और दे था जैसा आप यहां देख रहे हैं तो उनमें रह करके बोला गया, कैसे जैसे निद्दा, निद्दा को बोलते हैं नींद, और बाद में इसको बोला गया निद्रा यानी द्रे में आगे लगा दिया गया, ऐसे ही रिद्धि को बोला गया रिद्धि, ऐसे ही जो मद है उसको बोला गया मर्द, ऐसे ही जो दम है उसको बोला गया धर्म, और इसी तरह से जो शुद्ध शब्द है उसको बोला गया शूद्र।
और शुद्र बोला गया, यानी कि जो शुद्ध हैं, जो शुद्ध हैं, जो शुद्ध और प्योरिफाई लोग हैं उनको शूद्र कहते हैं। आज के समय में शूद्र अपने आप में पूरी भाषा में अकेला शब्द है, यानी अगर आप शब्द को उठाएंगे, डिक्शनरी उठाएंगे, तो आपको ताज्जुब होगा कि शूद्र के ऊपर नीचे ना कोई बहन भाई है और ना ही कोई नीचे है, यानी कि ये पूरी हायरार्की में अकेला शब्द है। मगर जो शुद्ध शब्द है या जो शुद्ध है उसके बहुत हैं, जैसे शुद्धता, शुद्धिकरण या शुद्धिकरण या शुद्धिकरण, यानी कि जब हम मन को शुद्ध करते हैं, प्योरीफाई करते हैं, ये जो शुद्धिकरण है इसको विशुद्धिकरण या विशुद्धिकरण भी बोलते हैं। भगवान बुद्ध की तो पूरी एक इसके ऊपर थीसिस है, पूरा एक फिलॉसफी है कि मन को कैसे शुद्धिकरण करें, शुद्धिकरण करें, शुद्धिकरण करें, शुद्धिकरण करें, और विशेष करें तो विशुद्धिकरण कैसे करें, यानी विशुद्धिकरण। इसलिए बहुत पुराने समय से शुद्धिकरण का व्यापार चला रहा है कि भाई इसको शुद्धिकरण करा लो, यानी कि पाप युक्त हो गया, ये गंदे काम करता है, इसका मन ठीक नहीं है, इसको शुद्धिशाला में भेजो, जहां शुद्धिशाला है। शुद्धिशाला कहां है, जिसको आप बुद्ध विहार बोलते हैं या जिसको आज के समय में मंदिर बोलते हैं। ये पहले मंदिर होता था, मंदिर का मतलब है मन के दर, दर माने दुख को दूर करने वाली जगह, विहार को बुला करते थे। ऐसी कोई बिल्डिंगें तो पहले होती नहीं थी, तो मंदिर हो गया या विहार हो गया, या इनको आराम बोला करते थे। आराम का मतलब है आरमन, यानी कि जहां आके रमता था व्यक्ति, रमने का जो स्थान था उसको आराम बोलते थे, और जो रमता था उसको राम बोलते थे, यानी कि जो रम रहा है और आके रम रहा है उसको आराम बोलते थे। आराम जगह है। भगवान बुद्ध के तीन आराम थे, इसमें एक सुराम करके है, एक खाली राम करके है, एक आराम करके है, ऐसे उनके नाम आते रहते हैं, कथाओं में है, चलते रहते हैं, हमने तो देखे हैं नहीं, नाम आते हैं। तो यहां जो चल रहा है, यानी शुद्धिकरण यानी शुद्धिकरण जो चल रहा है वो मन का है, जो भगवान बुद्ध के आठ अंगों वाला जो मार्ग है, आठांगिक मार्ग जिसको बोलते हैं, एट फोल्ड पाथ है, उसको विशुद्धि मग बोलते हैं, यानी उसको विशुद्धि करने का मार्ग बोलते हैं। वो एट फोल्ड पाथ है जिससे कि आदमी का मन शुद्ध हो जाता है, विशुद्ध हो जाता है। इसलिए किसी का शुद्धिकरण करना हो तो उसको आप विपस्ना साधना में, या उसको बोलो कि वो जो आठ अंगों का मार्ग है, उस आठ अंगों के मार्ग को वो देखेगा तो वो शुद्ध हो जाएगा। ये बिल्कुल स्पर्श एक क्रिया और बिल्कुल स्पर्श एक तरीका है। अब जो सबसे बड़ी बात है, वो जो सबसे बड़ा है, क्योंकि उनका नाम है शूद्र शिव शंकर सिंह यादव, इसका मतलब क्या हुआ कि वो यादव शब्द जो है आज के समय में है, पाली के समय में, पुराने समय में यादव नहीं है। पुराने समय में गौ शब्द है जिससे गौतम बना हुआ है, यानी जो साग के लोग हैं वो साग सब्जी उगा रहे हैं, और जो गौ हैं वो गाय या भैंस उनकी वंशज, यानी उनकी देखभाल करने वाले, और जानवर भी वो पालते हैं, गौतम वंश और गौतम से चला रहा है। और ऐसा ही एक फोटो जो आप यहां देख रहे हैं, ये साउथ में मिलता है, जिसमें भगवान बुद्ध खुद ही गाय का दूध भी निकाल रहे हैं, यानी वो गाय वाले वंश से हैं, गौतम से हैं। तो ये जो पुराने लोग हैं, जो यादव हैं, यानी जो मेरे मित्र हैं, ये बेसिकली अहीर हैं, और अहीर का तो और भी ज्यादा कमाल है, जिसका हरण ना हो सके, ए हरियण, यानी ए हरियण, जिसका हरण ना हो सके, जिसको कोई घेर ना सके, जिस पर कोई कब्जा ना कर सके, जिसकी कोई बुद्धि को ना घुमा सके, जिसको कोई मूर्ख ना बना सके, उसको अहीर बोलते हैं। और अही का और ज्यादा कमाल का शब्द है, अही बोलते हैं नाग को, नाग को बाद में सब कहने लगे, तो अही माने नाग भी होता है, यानी नागवंशी लोग हैं जो गाय को भी पालते हैं, और वो लोग हैं जो जिनका हरण नहीं हो सकता, जिनको कोई हर नहीं सकता, जिनको कोई हरा नहीं सकता, जो बड़े शुद्ध हैं, जो बड़े प्योरिफाई हैं, जिनका मन बड़ा शुद्ध है, इसलिए उनको शुद्ध कहते हैं। और शुद्ध को उनको गाली बनाते 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 एक शब्द रह गया जिसको शूद्र बोलते हैं, और शूद्र का ना माँ है, ना बाप है, ना भाई है, ना बहन है, डिक्शनरी में अकेला पड़ा हुआ है। जैसे आप शुद्ध से शुद्धता बोलते हैं, या शुद्धिकरण बोलते हैं, या शुद्धोदन बोलते हैं, ऐसे ही शूद्र का शूद्रता नहीं मिलता कहीं, या शूद्र या शूद्रीकरण नहीं मिलता, या शूद्राभ्यास नहीं मिलता, यानी अकेला शब्द है, शुद्ध है, जिससे पता चलता है कि ये वहां से आया हुआ है, पाली के समय से। और जो अति शुद्ध है, जो अति शुद्ध है, जो अति शुद्ध है, यानी जो बहुत ज्यादा प्योरिफाई है, वो और भी ज्यादा है। तो बेसिकली शुद्ध कैसे हैं, कैसे शुद्ध नहीं है, दो तरीके से शुद्ध हैं। पहला तरीका तो यह है कि वो मन से बहुत शुद्ध हैं,
मन उनका बिल्कुल साफ है, उससे वो पाप नहीं करते, किसी का कुछ लेते नहीं, चोरी नहीं करते, व्यभिचार नहीं करते, हिंसा नहीं करते, शराब नहीं पीते, झूठ नहीं बोलते। भगवान बुद्ध के जो पांच तत्व हैं, जो पांच बातें हैं, उनको पूरी तरह से मानते हैं और मन को शुद्ध रखते हैं। इस मायने में वो सारे सारे शुद्ध हैं, प्योर हैं। और दूसरा है उनका वर्ण, पाली में इसको वन बोलते हैं, और वन में अगर आधा ड़े हटा दें तो ये वर्ण हो जाता है, इसको रंग बोलते हैं। जैसे सेत वर्ण यानी सफेद रंग का, या कण वर्ण यानी काले वर्ण का जिसको बोलते हैं, जैसे लोहित वर्ण यानी कि खून जैसे रंग का, या जिसको बोलेंगे हरित वर्ण यानी कि हरे रंग का, या जिसको बोलेंगे पांडु वर्ण यानी पीले रंग का, ऐसे ये रंग चलते हैं सारे के सारे। तो वर्ण को यानी रंग को शुद्ध रखना है। अब रंगों को कैसे शुद्ध रखना है? रंग को शुद्ध रखने का मतलब है कि जो मनुष्य की खाल का रंग है उसको शुद्ध रखना है, उसमें संकर वर्ण नहीं होना चाहिए, मिक्सिंग नहीं होनी चाहिए। यानी जो लोग बाहर से आए हैं जिनका रंग नहीं है, जो अवर्ण है, जो पहाड़ों से आए हैं और सफेद लोग हैं बिल्कुल, जिनके पास रंग नहीं है, जो सूरज की रोशनी में तपते हैं उनका तो रंग है, और जो पहाड़ों पर रहते हैं ठंड में रहते हैं उनका रंग नहीं होता। तो भारत के लोगों ने उनको कहा आप अवर्ण हो, आपका रंग नहीं है। और अवर्ण से जब वर्ण वाले मिलके जब बच्चा पैदा करते हैं तो उसको बोलते हैं संकर वर्ण हाइब्रिड। ऐसे हाइब्रिड और संकर वर्ण की बहुत सारी फसलों की प्रजाति, पेड़ों की प्रजाति जो आपने देखी होगी, ऐसे ही जानवरों में होती है और यही मनुष्य के अंदर होती है। भारत तो संकर वर्ण का यानी मिक्स ब्रीड का हब हो चुका है, क्योंकि यहाँ 13 बार बाहर से लोग आए हैं और लोग आते जाते रहते हैं, और जितने भी आक्रांत आए हैं वो अपने साथ में महिलाएं लेके नहीं आए, तो महिला यहीं की हैं जिनसे संकर वर्ण बना है। तो यानी कि जिन्होंने अपने रंग को पूरी तरह से नहीं बदला, बिल्कुल वो कठोर रहे, वो अति शुद्ध हैं यानी बहुत ज्यादा प्योर हैं स्किन से, अपने वर्ण से, अपने रंग से। यानी वर्ण उनका प्योर है, उनका शुद्ध है। तो शुद्ध रंग के वो लोग हैं। इस शुद्ध वर्ण को यानी जो प्योर वर्ण है, जो प्योर रंग है, जो प्योर कलर है, इसको शूद्र वर्ण कहा गया। और शूद्र वर्ण बहुत ग्लोरी और बहुत इज्जत की बात है, और अगर अति शूद्र वर्ण है तो उसका तो कहना ही क्या, यानी कि उनका तो खून कहीं मिक्स हुआ ही नहीं, उनके तो रंग कहीं बदले नहीं, उनका जो यहां का सिस्टम था वो नहीं बदला। तो इसलिए जो शुद्ध लोग हैं, जो शूद्र लोग हैं, जो शुद्ध लोग हैं, जो प्योर लोग हैं, उनको गर्व से कहना चाहिए कि हम शुद्ध हैं, प्योर हैं, और अति गर्व से कहना चाहिए कि हम अति शुद्ध हैं। और कोई अगर दलित है यानी दलित है तो वो और भी ज्यादा ग्लोरी की बात है, क्योंकि दलित का मतलब, जैसा मैंने पहले ही बताया है, दलित का मतलब है जो दृढ़ है, जो भगवान बुद्ध के पांच सीलों में और उनके मार्ग में दृढ़ रहता है, पूरी तरह से जमा हुआ है और विचलित नहीं होता, हिलता नहीं है, वो दलित है। दलित को बाद में दलित कहने लगे, क्योंकि जो लय और लय मिलके जो बनता है शब्द, उसको बाद में लय का इस्तेमाल करने लगे, तो ऐसे कहने लगे जैसे दबा हुआ है। दबा हुआ का मतलब दलित नहीं होता, दृढ़ का मतलब दलित होता है। तो ये जो सूझबूझ वाला जो शब्द है ये सबसे पहले चलता है, क्योंकि सुज्जति जो शब्द है, सुज्जति का मतलब शुद्ध करता हूं, और बुज्जति का मतलब है जानता हूं, जानकार हूं, यानी कि जानता हूं और समझता हूं। तो सुज्जति और बुज्जति साथ साथ चलता है। हम कई बार कहते हैं सूझबूझ के साथ काम करो। सूझबूझ का मतलब है कि सोचकर, समझकर, जानकर और अच्छी तरह से साफ मन से काम इसको करो। तो ये सुज्जति और बुज्जति आता है। धम्मपद के अंदर विशुद्धि मार्ग बहुत बार आता है, और पबुज्जति या पबुज्जति बहुत बार शब्द आता है। ये पुराने शब्द हैं। इन शब्दों के आधार पे, इस पाली पे, इस गाथा के आधार पे आप बेखौफ कह सकते हैं कि जो शुद्र शब्द है वो बहुत ग्लोरीफाई है, बहुत बढ़िया शब्द है। आप बार बार कहिए, गर्व से कहिए, हम शुद्र हैं, हम अति शुद्र हैं, और हम शुद्र के अलावा, शुद्ध के अलावा, प्योर के अलावा, शुद्ध के अलावा कुछ भी नहीं है, क्योंकि हमारा तो शुद्धिकरण बहुत पहले ही भगवान बुद्ध ने किया हुआ है। जो लोग पापी हैं वो अपना शुद्धिकरण करा लें और 8 जो अंगों का मार्ग है, पंचशील का मार्ग अपना लें, उनका मन शुद्ध हो जाएगा, पापों से मुक्त हो जाएंगे, तो वो भी शुद्ध हो जाएंगे, शुद्ध हो जाएंगे, वरना वो पापी के पापी ही रहेंगे। धन्यवाद। 322 पर सभी वीडियो बुक कॉपीराइट फ्री है। आप अपने पोर्टल पर
अपने YouTube पर, अपने Facebook पर या किसी भी जो भी ऐप है उस पर आप यहां से डाउनलोड कर टीम 22 से या Facebook से या मेरे पेज से कहीं से भी कोई भी वीडियो ले सकते हैं, उसको डाउनलोड कर सकते हैं, उसमें अपने नाम का कुछ भी ऐड कर सकते हैं या अपनी कमेंट्री कर सकते हैं, उस वीडियो का कोई भी पार्ट आप ले सकते हैं, उसका प्रिंट मटेरियल भी बना सकते हैं, उसको किसी भी भाषा में आप बदल सकते हैं, उसका ऑडियो चेंज कर सकते हैं, उसका वीडियो ले सकते हैं, आप जैसे भी चाहें टीम 22 की किसी भी वीडियो का या सारी वीडियो का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हमेशा कॉपीराइट फ्री थी और हमेशा कॉपीराइट फ्री रहेंगी। हमारा सिर्फ इतना काम होता है कि महापुरुषों की जो बातें हैं उन बातों को हम सरल भाषा में, आम भाषा में आप तक पहुंचा देते हैं। अब आगे आपका काम है कि आप अपनी भाषा में बदल के या ऐसा का ऐसा शेयर करके या इसको आगे भेजकर या इसका लिंक भेजकर या इसमें से कोई भाषा बदलकर या इसको प्रिंट कर या इसको लोड कर या डाउनलोड कर या इसको टीवी में बच्चों को दिखाकर या किसी को गिफ्ट कर जैसे भी चाहे वैसे इसको आगे पहुंचाएं। धम्म की सेवा सबसे बड़ी सेवा है, क्योंकि धम्म दान, धम्म को देना, सभी देने में यानी जितना भी हम किसी को देते हैं, दान देते हैं, उनमें सबसे बड़ा माना जाता है। अगर आपको लगता है किसी वीडियो में कोई परेशानी है तो आप हमें लिख के भेज दीजिए, हम दूसरा वीडियो बनाकर आपको भेज देंगे। आप धम्म की सेवा में सहायक बने, धम्म आपको खूब लाभ देगा, धम्म आपको लाभ देगा, आप धम्म को लाभ देंगे, ये दोनों इंटरचेंज है, यही धम्म की प्राकृतिक नियम है। धन्यवाद। Singam Sirunam Gacchami.